बिहार में अब विधायक के परिजन भी सुरक्षित नहीं लग रहे हैं। सरसाराम में कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा के भतीजे संजीव मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार तीन हमलावरों ने शनिवार को ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिससे संजीव मिश्रा की मौत हो गई। रोहतास जिले के प्रस्तुआ में करघर के कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा के भतीजे संजीव मिश्रा को अपराधियों ने गोली से भून डाला। खबरों के मुताबिक संजीव मिश्रा प्रस्तुआ के स्थित अपने आवास पर थे। इसी दौरान तीन बाइक पर सवार अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। संजीव मिश्रा को चार गोली लगी, वह गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं अपराधी बाइक से फरार हो गए। आसपास के लोग संजीव मिश्रा को अस्पताल ले जा रहे थे, इसी दौरान रास्ते में ही संजीव मिश्रा ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सरसाराम के सदर अस्पताल भेज दिया है। हत्या के पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। घटना के बाद ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। घटना के बाद विधायक संतोष मिश्रा काफी दुखी हैं। कानून व्यवस्था पे उन्होंने कहा कि इस सरकार में जब विधायक के परिवार के लोग ही सुरक्षित नहीं हैं, तो आम लोगों की क्या स्थिति होगी। कि ये जो सत्ता है और ये जो शासन अभी चल रहा है बिहार में, उसमें आम से लेके खास आदमी तक सुरक्षित नहीं है। जब मेरे परिवार पर ऐसा हमला हो सकता है, तो आम लोगों की तो बात ही छोड़ दी जाए। अभी मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। अभी हम लोग पूरा परिवार, चूँकि शोका कुल है सारा परिवार, एकदम खास भतीजे की मेरी हत्या हुई है, दाह संस्कार की प्रक्रिया के लिए आफ्टर पोस्टमार्टम हम लोग बनारस जाएंगे। लेकिन कल से हम लोग अपना कुछ कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करेंगे और फिर आप लोगों से। क्या लगता है सर, जिले में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, इस पर पुलिस कितना सक्रिय है? इस बारे में तो सदन में ये बात चल रही है। दो दिन पहले भी, तीन दिन पहले भी मुख्यमंत्री जब अभिभाषण का जवाब दे रहे थे राज्यपाल के अभिभाषण पर, तो हम लोगों ने पूरा प्रोटेस्ट किया था क्राइम को लेकर, और वो तैयार नहीं थे इस बात को मानने के लिए। संजीव मिश्रा कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा के भतीजे थे। संजीव मिश्रा की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। संजीव मिश्रा चंद्रिका मिश्रा के पुत्र थे। पिछले विधानसभा चुनाव में संजीव ने अपने चाचा के लिए बढ़ चढ़ कर चुनाव प्रचार किया था, जिसमें संतोष मिश्रा ने जीत भी हासिल की थी। न्यूज डेस्क।